यूपी के उपचुनाव में होने वाला है बड़ा खेला। इस बार कौन मारेगा बाजी? क्या पलटने वाली है सरकार? यूपी की सीट पर मुकाबला कड़ा हो गया है। भाजपा सपा की टक्कर के बीच छोटे दल भी दम दिखाने के लिए मैदान में उतरे हैं। ये छोटे दल बड़े दलों का खेल बिगाड़ सकते हैं। मुरादाबाद की कुंडरकी विधानसभा सीट पर सपा और भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए। सपा का गढ़ समझे जाने वाले कुंडरकी विधानसभा में रणनीतिकार अपनी लड़ाई भाजपा से मानते हुए समीकरण बैठा रहे हैं। वहीं एक वर्ग का मानना है कि छोटे छोटे दल बड़ों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। कुंडरकी विधानसभा पर सपा का 2002 से वर्चस्व रहा है। इस सीट पर 1993 में एक बार भाजपा के नेता चंद विजय सिंह ने चुनाव जीता था। इसके बाद इस सीट पर बसपा के अकबर हुसैन दो बार चुनाव जीते थे। मुस्लिम बाहुल्य कुंदर की सीट पर 2022 में जीते जियाउर रहमान वर्ग के सांसद बनने के कारण यह सीट रिक्त हुई है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने कुंदर की सीट पर एक बार फिर से हाजी मोहम्मद रिजवान पर भरोसा जताया है। वहीं भाजपा ने रामवीर सिंह पर दाव खेला है। इस सीट पर MIMIM ने हाफिज वारिस को टिकट देकर मैदान में उतारा है। आजाद समाज पार्टी कासीराम ने चांद बाबू को मैदान में उतारा है। हाफिज वारिस पिछले 2022 के चुनाव में 14,700 मत पाए थे। वर्तमान में कुंडरकी में MIMIM का स्थानीय निकाय में चेयरमैन है। इस कारण हाफिज वारिस को हल्के में लेना बड़े दलों के लिए ठीक नहीं है। बसपा की तरफ से प्रत्याशी रफतउल्ला भी मैदान में है। भाजपा ने सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। मुख्यमंत्री कुंडरकी में दौरा कर चुके हैं। चार मंत्रियों को भी कुंडरकी में लगाया गया है। इधर सपा के चार विधायक कुंडरकी क्षेत्र पर नजर रख रहे हैं। सपा के नेता मान रहे हैं कि सीट से उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। अल्पसंख्यकों का वोट उनको एक मुश्त मिलेगा। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस बार छोटे दलों के मैदान में कूदने से चुनाव काफी रोमांचक होगा। इस सीट पर मतदाताओं की संख्या 383,000 है। पिछले चुनाव में सपा प्रत्याशी को 1,25,000 मत मिले थे।